Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. लफ्जों में अदा नहीं हो सकता उनका इतना बड़ा नाम, पाकिस्तान के हवाले से कायदी कवाली की दुनिया में बड़ा नाम, उनके वालिद का भी, उनका भी, और हमारी तमाम जितने भी कवाल बरादरी के लोग हैं वो सब इनसे बहुत प्यार करते हैं। अमजद साबरी साहब का पढ़ा हुआ कलाम पेश कर रहा हूँ। हमेशा
नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से बारान-ए रहमत में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हम बड़े खुश नसीब हैं कि आज हमारी ट्रांसमिशन का जो आगाज़ हुआ है उसका आगाज़ बहुत ज़बरदस्त हुआ है कि हमारे साथ ऐसी फैमिलीज थी जिनके जो लोग हमसे बिछड़ गए ने बड़े नाम, इतना पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उसके साथ साथ पाकिस्तान का नाम रोशन करने में एक और बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े नात ख्वाह हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक। और मेरी जिंदगी की पहली ट्रांसमिशन जो है रमजान की, वो इन्हीं के साथ शुरू हुई थी। आप तो इनसे काफी यंग लग रही हैं। इनके साथ शुरू हुई थी क्या बात? नहीं, मतलब जब मैं रमजान ट्रांसमिशन करी थी तो ये उस ट्रांसमिशन में आया करते थे, मतलब आपके ट्रांसमिशन में ये आई थी। अब मेरा ख्याल है पहले कलाम सुन लेते। बिल्कुल। इतने मुझे जी बड़ी यादें वाबस्ता है, मैं एक कलाम से इस ट्रांसमिशन का आगाज कर रहा हूँ अपनी अकीदतों का, और एक दुरूद पाक है जो इंशाल्लाह मिलकर पढ़ेंगे तो बड़ा एक समा बन जाएगा।
क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत नाद आपने पढ़ी, और आपने अभी जैसे अमजद भाई की बात की कि बहुत अच्छा आपका रिलेशन था और मिलते रहते थे, तो कैसे आप लोगों की दोस्ती हुई, कैसे थी, कोई वाकया, कोई ऐसी बात याद हो? देखें, अमजद साहब तो उनसे तो तकरीबन 15 साल से एक वाबस्तगी थी, लेकिन इनके वालिद मोहतरम मरहूम हाजी गुलाम फरीद साबरी और इनके चचा जान, उनके चचा जान हाजी मकबूल फरीद साबरी, इन लोगों से भी हमारे बड़े ताल्लुकात थे, और ख़ास तौर पर रमज़ान का महीना जुमा हम साथ में पढ़ते थे माशाल्लाह। नाजमाबाद में एक मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद एक महफिल हुआ करती थी, तो हाजी साहब जो है जुमे की नमाज से लेकर असर की नमाज तक हमारे साथ उस महफिल में शामिल रहते थे, और बड़े ज़ौक व शौक के साथ कलाम भी सुनाते, सुनते भी। तो इस फैमिली से मेरे बड़े पुराने मरासिम हैं, और जब अमजद मियाँ सामने आए साबरी साहब के बाद, तो अमजद में मैंने बहुत क्वालिटी देखी। एक तो इंतहाई बाअदब, बड़ों का अदब करना, अपने सीनियरों का ख्याल रखना, और मैं ये समझता हूँ मैंने उनके साथ कोई 10-12 ट्रांसमिशन है मैंने ऐसी की हैं जी। और ख़ास तौर पर 3-4 साल से जब से मीडिया पे सहरी और इफ्तार की ट्रांसमिशन की, तब आप लोगों का काफ़ी साथ रहा जी रहा है। तो अमजद भाई शहीद हमारे साथ रहते थे और अभी भी साथ हैं, अभी भी साथ हैं, शहीद कभी मरता नहीं है। वला तहसबन्नल लजीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह अमवात, वो कभी मरता नहीं है जी, बिल्कुल। वो आज भी हमारे साथ है और कल भी हमारे साथ रहेंगे, कल भी हमारे साथ रहेंगे। इसी तरह से जुनैद जमशेद, उनके साहबजादे यहाँ पे मौजूद थे। अमजद भाई के मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हादसा होने से 2 दिन पहले मेरे साथ थे एक शहरी ट्रांसमिशन में। इन बच्चों को मालूम है कि इनकी रोज़ा कुशाई थी इनकी, माशाल्लाह। तो अमजद भाई पूरी फैमिली को लेकर आए हुए थे, तो मुझे कहने लगे सिद्दीक भाई कल बच्चे रोज़ा रखेंगे तो मैं आज इनको साथ लाया हूँ। तो मुझे कहने लगे, वो जो प्रोग्राम की मेज़बान थी, उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है कि आप दोनों मिलकर कोई एक नात पढ़ें। तो अमजद भाई ने कहा कि हाँ सिद्दीक भाई आपने जो वो नात पढ़ी है हम दोनों मिलकर पढ़ते हैं। तो हमने दोनों ने मिलकर वो नात पढ़ी, लेकिन उस रात अमजद भाई को आप सब जानते हैं जी, कि जी। जिस प्रोग्राम में उनका मुस्कुराना, उनका एक अंदाज था, अलग थी, रौनक की अलग थी बिल्कुल। लेकिन उस दिन मुझे अमजद भाई इतने फॉर्म में नजर नहीं आए, डिफरेंट लगे आप, कुछ डिफरेंट लगे, और चेहरे पे कुछ तो जब सहरी के लिए वक्फा हुआ तो मैंने उनको आके मेरे पास बैठ गए, कहने लगे सिद्दीक भाई, मैंने कहा क्या बात है आज फॉर्म में नहीं हो यार, वहाँ बड़े एकदम से। तो कहने लगे क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं बड़ा बेचैन हूँ। मैंने कहा क्या वजह है, कहने लगे बस कुछ समझ में नहीं आता मुझे, और मेरा दिल ये चाहता है कि मैं ये रमज़ान का अब आखिरी अशरा आने वाला है तो मैं मदीने पाक चला जाऊं। देखिए तो ये सुनकर मैंने कहा हम दोनों ने तो एक चैनल पर दोनों ने जजमेंट करनी है, हाँ आप लोगों ने करनी थी बिल्कुल ठीक है ना। तो मैंने कहा जी तो मेरा भी बहुत चाहता है, हालांकि मैं कुछ दिनों पहले ही आया था, मैंने कहा मेरा भी दिल नहीं लग रहा, लेकिन कहने लगे सिद्दीक भाई यही मजबूरी है, लेकिन अब मुझे चैन नहीं आता। देखें ये इनके आखिरी अल्फाज उन्होंने आपके साथ जो गुफ्तगू की वो ये थी, वो बड़े उदास थे, उदास थे वो तबीयत में उनकी, वो
जो होता है वो नहीं बात नहीं थी। घर में कोई ऐसी हुआ आप लोगों को फील के कोई दो तीन दिन पहले कोई ऐसी बात की हो, या होता है ना इंसान कोई स्ट्रिंग्स बाद में मैच करता है कि अच्छा ये शायद ये बात की थी ऐसी, जैसे इनसे बात की कि मदीना जाना है? हाँ, उनको उम्र पर जाने का तो बहुत था। अच्छा, तो हमारा यही था कि ईद के बाद, अभी तो बहुत बिजी शेड्यूल ऐसा करेंगे, ईद के बाद चलेंगे, बच्चों को लेके जाना था, हम सब नहीं जाना था। जब ये आए थे अमेरिका से तो हमारे पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए खुद गए साथ में। अच्छा, कि हमें जाना है तो बस जल्दी से ये कर लो, पासपोर्ट रिन्यू करवा लो, बस फिर बिजी हो गए इतना। और जिस दिन, जिस शहरी में इन्होंने वो कलाम पढ़ा था, उस दिन मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी घर पे, तो परेशान होके इन्होंने अम्मी को बुला लिया नीचे से, बहन वगैरह भी आ गई सब, के देखो आके पता नहीं क्या हो गया है इनको ना, तबीयत ठीक नहीं है, ये अवतार से आए थे। अच्छा, तो खैर सब बैठे हुए थे, बातें बातें करने लगे, फिर थोड़ी तबीयत भी ठीक होगी, शुगर लो हो गई थी मेरी, तो थोड़ी बहाली पे आई तो खुश भी हो गए, फिर एकदम से कहने लगे अच्छा भाई मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ, तो सहरी के लिए निकल, हाँ सहरी के लिए जा रहा हूँ मैं। फिर एकदम से अम्मी को कहने लगे माँ अब्बा आए, अम्मी ने कह रहे भाई क्या हो गया अमजद, क्यों डरा रहा बेटा, तो नहीं नहीं वाकई में अब्बा आए, देखो दरवाज़ा खुद खुला है, और दरवाज़ा खुला, और फिर है ना अम्मी ने कहा भाई ऐसी बातें नहीं करो अमजद, मैं चली जाऊँगी नीचे फिर देख लो, अम्मी ज़रा घबरा जाती हैं, तो कहने लगे अच्छा 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 आप आराम से बैठो, कुछ नहीं हुआ, मैं तो मजाक कर रहा था। थोड़ी देर में फिर दरवाज़ा खुलता है हवा से, फिर इन्होंने कहा माँ देखो अब्बा आ गया, आ जाए आ जाए अब्बा यहाँ आके बैठे। अम्मी ने कहा भाई अब तो मैं नीचे जा रही हूँ, तो कहने लगे बच्चों के साथ मिलके कहने लगे देखो दादी डर गई, दादी डर गई, माँ अब्बा से क्यों डरती हो तुम, क्यों डरती हो तुम ऐसे अब्बा से, तो कहने लगी तू वाकई सच कह रहा है मुझे कि ऐसी मुझे डरा रहा है, नहीं नहीं मैं तो आपको डरा रहा हूँ, यूँ कह के फिर कहने लगे अच्छा भाई अब तो मैं जा रहा हूँ, अब आप रेस्ट करो, मुझे कहने लगे कि आप रेस्ट करो, तबीयत ठीक नहीं आप रेस्ट करो। अच्छा, अम्मी भी बैठी हुई थी, थोड़ी देर के बाद अम्मी भी चली गई, ये भी चले गए, हम लोग तो उस दिन मैं मेडिसिन ली हुई थी, मैं तो सो गई, मैंने तो ट्रांसमिशन भी नहीं देखी। अच्छा, वो रात आपने ट्रांसमिशन? नहीं मैंने देखा ही नहीं, जो बस वो अब्बा उनको शायद नज़र आ रहे होंगे, जो हम नहीं समझ सके, और उन्होंने हमें मजाक में यूं कह रिएक्शन देखे, उन्होंने फौरन कहा कि मैं तो मजाक कर रहा हूं। देखे बात ये है, उन्होंने कलाम तो बहुत पढ़े, हर ट्रांसमिशन में वो दो तीन नाते पढ़ा करते थे, लेकिन जो कलाम इन्होंने आखिरी कलाम अपनी जिंदगी का पढ़ा है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये कलाम, सब नातवा पढ़ते हैं, लेकिन अमजद भाई ने जिस कैफियत में वो कलाम तो क्या बताएं कि क्या वो बताएं सर, अल्फाज नहीं है, अल्फाज नहीं है। और जिस वक्त मैं तो इफ्तार के ट्रांसमिशन के लिए गाड़ी आई हुई थी, तो मैं जाने लगा तो ब्रेकिंग न्यूज आई, बिल्कुल 3 बजे का वक्त था या ऐसा ही कोई वक्त था, लेकिन इतना खूबसूरत दिन, इतनी खूबसूरत महीना उनके हिस्से में आया है कि रोजे से तो अल्लाह ताला से कोई, और लोग मांगते हैं ये चीज मांग, और मैं सिर्फ एक चीज जानती हूँ अली, के जितनी पूरी, मतलब मैं समझती हूँ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया, जहाँ जहाँ लोग उनको सुनते थे हर एक ने दुआ की होगी, तो कितनी दुआएं उनके साथ हैं। आमीन। मैंने तो अपना एक मामूल बना लिया है, मैं आपको आज बता रहा हूँ जी, ये कलाम हम बचपन से पढ़ते आ रहे, लेकिन अब जिस महफिल में मैं जाता हूँ मैं ये कलाम ये कह कर पढ़ता हूँ कि ये कलाम पढ़ने वाला भी अमर हो गया और ये कलाम भी अमर हो गया, ऐसी कैफियत में उसने कलाम पढ़ा है कि उसे कुछ नजर आ रहा था। जी मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जी जी जी, एक बार फिर आज ये कलाम याद करें, और अमजद साहब के साथ आपने पढ़ा था तो इस बार मुजद्दिद आपके साथ खड़ा हो जाएगा, देखते हैं ये भी कोशिश करे आपके साथ। ठीक है मुजद्दिद, अल्लाह रेडी हो, रमजान 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 रमजान
जब